और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुपर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की जान लीजिए। फैसला लिया है बच्चों के हितों को देखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया है। आज जो हाई लेवल मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग के बाद, जी हाँ, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दसवीं और बारहवीं देने वाले बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे बोर्ड के सचिव ने, दोनों ने मिलकर 5 नए नियम लागू किए हैं बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले हम आपको बता दें, ज्यादातर सभी राज्यों में बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और कॉपी चेकिंग का प्रोसेस भी लगभग समाप्त हो गया है, ठीक है। और आचार संहिता लागू होने के कारण बच्चों का रिजल्ट चुनाव से पहले ही आ जाएगा। ये बहुत ही बड़ी घोषणा हमारे बोर्ड के सचिव ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से की है। सबसे पहले हम आपको बता दें, कल रात हुई बैठक के माध्यम से एक अहम नियम लागू किया गया है कि जहां भी बोर्ड की परीक्षाएं रह गई है उनको ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने राज्य की बोर्ड की परीक्षाएं जल्द से जल्द करवा लें, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही जल्द आना है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के कारण रिजल्ट को जल्दी निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है, ठीक है। वेबसाइटों पे नंबरों की फीडिंग चालू हो गई है, टॉपर्स का वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और कॉपियों की चेकिंग लगभग समाप्त हो चुकी है। अब इनका जो कॉपियों का निरीक्षण है वो किया जा रहा है, कॉपियों में नंबर चढ़ा दिए गए हैं और इनको वेबसाइट में फीड किया जा रहा है, ठीक है। टॉपर लिस्ट भी सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें, किन छात्र छात्राओं को टॉपर बनाया गया है, किन को बोनस अंक दिए गए हैं, किन छात्र छात्राओं को फेल किया गया है और किन्हें पासिंग मार्क्स ही मिले हैं, ठीक है। एक एक चीज आपको बताते चलेंगे, बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले हम आपको बता दें, जिन भी छात्र छात्राओं ने अपने प्रश्न करके उत्तर को खाली छोड़ दिया है तो ऐसे बच्चों को नंबर कहां से मिलेंगे, ठीक है। टीचर भी कहता है भाई उसे हर कॉपी के 8 से 10 रुपए मिलते हैं, ठीक है। 8 से 10 रुपए हर कॉपी के मिलेंगे तो सोचिए पूरी बंडल की कॉपी होती है, वो जितनी ज्यादा चेक करेगा उतने ही उसे पैसे मिलेंगे। और जो बच्चे अपनी कॉपी पे पैसे लगाते हैं, ठीक है, पैसे लगाने पर नंबर तभी मिलते हैं जब आपने कॉपी को बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा हो। अगर आपने अपनी कॉपी को अच्छे ढंग से लिखा और पैसे भी रखते हैं तो भी आपको बोनस अंक प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। जिन छात्र छात्राओं ने अपनी कॉपी पे कुछ नहीं लिखा और वो पैसे के बेस में नंबर चाहते हैं तो केवल ऐसे पैसे के बेस पे नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर बैठता है वो लाइन बाय लाइन कोई क्वेश्चन नहीं देखता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन नहीं चेक करता है। बस कॉपी अगर आपने 2-3 पेज साफ सुथरा ढंग से, बेहतर ढंग से, जैसे क्वेश्चन लिखने का उत्तर देने का एक सुनिश्चित ढंग होता है, वैसे आपने लिखा तो वो पूरी कॉपी सीरियल बाय सीरियल चेक करता चला जाएगा। अगर आप फालतू पैसे रखे हैं तो आपका पैसा भी ले लेगा और आपको नंबर भी नहीं देगा, आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। अच्छे से लिखा है तो नंबर जरूर मिलेंगे।